बिहार पुलिस 21,391 पद का एग्जाम कब होना है, बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और ये पता तब चलता है जब अदर स्टेट के लोग हमसे ये पूछे कि क्या सर एग्जाम हो गया इसका क्या, तब हमें लगा एक वीडियो आप लोग को देना चाहिए ताकि आप लोग अपडेट हो पाए और अपनी तैयारी को फिर से जारी रख सके लिए। और फिजिकल में पहुंचते पहुंचते उनका सब चीज खराब हो गया और फिजिकल नहीं निकला तो क्या फायदा बिहार पुलिस का तैयारी करके, ठीक है। मैंने फिर तैयारी छोड़ दी, इस कारण से वो अभी तक भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है कि बिहार पुलिस के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। आप लोग ये समझते हैं कि तैयारी सिर्फ रिटेन को ही कहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस 21,391 पद का एग्जाम कब होने वाला है ये सभी लोग जानना चाहता है। और सबसे बड़ा फेल्यूअर हमको यहां दिख रहा है कि आप लोग एग्जाम का तैयारी करना छोड़ दिए हैं इस कारण से कि एग्जाम बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, यानी कि करीब करीब आप देखेंगे कि 8-9 महीना जो है लेट हो चुका है और अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। अक्टूबर में आप लोग का एग्जाम लिया जाने का प्रयास भी किया होगा, आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को आप लोग का एग्जाम डेट रखा गया था जो कि कंडक्ट भी हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेटिंग हो गया, जो कि बिहार में काफी ज्यादा पॉपुलर है, सेटिंग तो हो ही जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह वायरल हो गया। इसके बाद बिहार पुलिस में एक थोड़ा सा सुधार का नियम चल रहा है, जैसे कि चेयरमैन वगैरह भी चेंज हुए हैं, तो वो सब चाह रहे हैं कि इतना बड़ा जो दाग हमेशा से हम पे लगते रहा है कि सेटिंग हो जाता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, हम अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं और जगह जगह पे चर्चा ज्यादा होने लगता है। आप लोग ये जरूर समझते होंगे कि अब सोशल मीडिया के जमाने में और भी ज्यादा लोगों तक बात पहुंचने लगा है, जैसे कि पहले तो अखबार में दिया तब जानेंगे, नहीं दिया तो नहीं जानते थे, लेकिन अखबार में दे ना दे हम लोग भी आप लोग को बताते हैं और समझाते हैं, सब चीज सामने लाते हैं, उससे बहुत सारे लोग जागरूक होते हैं, समझते हैं और सतर्क भी रहते हैं। इस कारण से आयोग को लगता है, आपके CSBC जो आयोग है, CSBC जो आपका इंटर एग्जाम जो है कनेक्ट करवाती है, इसको लगता है कि नहीं आगे से ऐसा नहीं करना, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्जाम लिए जाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है, उस पर आगे बढ़ा जा रहा है। तो आप लोग का जो एग्जाम होगा 21,391 पद का, वो तो अलग अलग शिफ्ट में होगा ही। अब दिक्कत कहाँ पे आता है आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग मिसगाइड भी रहते हैं और वो अलग अलग वैकेंसी का जो तैयारी करते हैं ना, जैसे कि बहुत सारा वैकेंसी वो डालते रहते हैं। अभी भी आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप एक वैकेंसी पर टिके हुए नहीं होंगे, आप सिर्फ बिहार पुलिस नहीं डाले होंगे, आप SSDD भी डाले होंगे, हो सकता है यूपी पुलिस भी डाले होंगे, झारखंड पुलिस के बारे में भी सोचते होंगे, और कई सारी वैकेंसियां जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आती है वो भी आप भरने का प्रयास करते हैं। उससे होता क्या है कि सबके बारे में अपडेट आप नहीं रह पाते हैं। यही एक प्रक्रिया हम देखें कि अदर स्टेट के जो लोग भरे हैं बिहार पुलिस का फॉर्म, अदर स्टेट का, बिहार का नहीं, बिहार के अलावा जो स्टेट है, वहां से फोन आया कि क्या बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, क्योंकि हम बहुत दिन से इसका जानकारी नहीं था मेरे को और पता नहीं था, तो बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया है क्या। हम बोले कि एग्जाम अभी नहीं हुआ है और एग्जाम होना है, अभी लेट है, तो अच्छा अच्छा तब तो तैयारी करना पड़ेगा इसका, मतलब तब ये समझ में आता है कि कई सारे लोग एग्जाम जब लेट से होता है, शेड्यूल नहीं रहता है, जैसे कि फॉर्म भरा गया, ठीक है, आपका मानते हैं कि जनवरी में फॉर्म भराया 2024 में, और फरवरी मार्च अप्रैल तक अगर एग्जाम नहीं लिया जाता है 2-3 महीने में, तो कई सारे लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं और अदर फॉर्म जो जिसका एग्जाम नजदीक है उसका तैयारी करने में लग जाते हैं। तो उनका भी गलती नहीं था ये पूछना कि बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा था, लेकिन आयोग का ही कहीं ना कहीं गलती है कि एग्जाम को ना वो सही ढंग से कनेक्ट करवा पाता है और ना ही एक प्रॉपर डेट दे पाता है कि हम एग्जाम को लेंगे, ताकि विद्यार्थी तैयारी भी तो करना पड़ता है ना, विद्यार्थी को, स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि एग्जाम अभी होगा या साल भर बाद होगा, इसके कारण तैयारी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग को तैयार तो रहना ही है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, और मेरे तरफ से आपको यही सूचना या सलाह रहेगा कि अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और चूंकि आपके बिहार पुलिस 21,391 जो पद है, इसमें आपका सबसे पहले रिटर्न लिया जाएगा, फिर फिजिकल लिया जाएगा, और इसमें आपका मेरिट बनता है फिजिकल के आधार पर ही, मतलब फिजिकल में जो हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, दौड़ होगा, आपका गोला फेंक होगा, इसी के आधार पे आपका नंबर बनेगा, मेरिट बनेगा। तो ये आप लोग अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए अगर चाहते हैं बिहार पुलिस बनना। तब अब इसमें करीब करीब आपको हम बताए थे कि 19 लाख फॉर्म गिरा था, कितना, 19 लाख फॉर्म गिरा था, तो 19 लाख में से आप मान करके चलिए 15 लाख लोग तो इसका तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, और 4 लाख में से कुछ लोग होंगे जो सिंसियर होंगे, सोच रहे होंगे तैयारी करेंगे, जब एग्जाम का डेट निकलेगा तब तैयारी करेंगे। तो आप लोग को अभी एक काम जरूर करना चाहिए, मेरे तरफ से सलाह है आप लोग को, रिटर्न का आप तैयारी किए हैं नहीं किए हैं, कर रहे हैं ठीक है, लेकिन फिजिकल पे अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, इसलिए क्योंकि बिहार पुलिस में फिजिकल का बहुत ज्यादा महत्व है और फिजिकल पे ही आपका होगा, दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो ये सब जरूरी है आपके लिए। फिजिकल पे कमांड बनाइए ताकि जब आप रिटर्न में क्वालिफाई कर जाए तो फिर फिजिकल के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़े। बहुत सारे लोग इसलिए सोचेंगे नहीं भी निकलेगा, रिटर्न पर पूरा साल भर से मेहनत कर रहे, रिटर्न निकाल लिए और फिजिकल में पहुंचते पहुंचते उनका सब चीज खराब हो गया और फिजिकल नहीं निकला, तो क्या फायदा बिहार पुलिस का तैयारी करके, ठीक है। तो अभी समय है आपके पास, तो फिजिकल का तैयारी आप लोग कर लीजिए, और जितने भी लोग अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, अब आइए आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम कब होने का संभावना है, क्योंकि बहुत सारा चीज अंदरूनी चल रहा है जो कि सूचना बहुत कम बाहर निकल पाता है, चूंकि इसलिए
सरकार का ध्यान भी अभी एग्जाम्स पे कम है, आपको पता है कि इधर ही सरकार चेंज हुआ है ना, पलटी मारा इधर से उधर, उधर से उधर, इसके कारण होता है क्या कि कुर्सी के चक्कर में आप लोग का एग्जाम पर उतना ध्यान नहीं रह पाता है। सरकार जब एक स्टेबल चलते रहता है तो उसको हर चीज अपना दिखता है कि क्या किए थे, क्या करना है, क्या आगे होना है, ये सब दिखता है। लेकिन अभी थोड़ा सा उथल पुथल है और बीच में आपका बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है 2024 का लोकसभा का, तो इस पर भी थोड़ा सा पकड़ है ना, इसको भी देखते हुए बहुत सारा एग्जाम नहीं देखा जा रहा है। बाकी डीएलएड का तो आपका एग्जाम चल रहा है, बिहार डीएलएड का, लेकिन बिहार पुलिस का जो अभी तक सूचना है वो आपका जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्जाम लगभग ले लिया जाएगा, और इसका जो एडमिट कार्ड लगभग जून में आप लोग को सूचना एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जुलाई का वक्त आप लोग ध्यान रखिएगा, जुलाई में आप लोग का मैक्सिमम संभावना बन रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पद का रिटर्न एग्जाम, जो कि आपका 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर का 2 घंटा का समय दिया जाता है और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अच्छा, आप लोग को पता तो है कि बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच का भी वैकेंसी आएगा अलग से, ये आपका नॉर्मल ब्रांच हो गया, बिहार पुलिस नॉर्मल हो गया, ठीक है, और वो होगा स्पेशल ब्रांच जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा निकाला जाएगा और उसमें भी सिलेक्शन होगा, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, उसमें फिजिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये बिहार पुलिस जो आप लोग भरे हैं 21,391, यहाँ पे फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा, लेकिन स्पेशल ब्रांच वाला जो होगा ना वैकेंसी, उसमें आप लोग का रिटर्न पर जितना अच्छा पकड़ होगा, जितना अच्छा नंबर आप लोग लाएंगे, उसके अनुसार मेरिट बनाया जाएगा, फिजिकल बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये चीज समझना पड़ेगा, हम बताएंगे, दोनों का कंपेरिजन भी करेंगे, कौन अच्छा है कौन खराब है और किसको किसका तैयारी करना चाहिए, यही बताएंगे, तब जब आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे कंपेरिजन का वीडियो चाहिए, अलग अलग वीडियो दोनों पे दीजिए या एक ही वीडियो में दोनों का कंपेरिजन कर दीजिए सेपरेट करके कि कौन सा ज्यादा अच्छा मेरे लिए होगा। ठीक है, तो बना देंगे वीडियो, कमेंट कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बिना बोले आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं और हर चीज आपको हम बताते रहते हैं। अब इसके बाद हम बात करना चाहते हैं, आपका ये एग्जाम तो हो गया, अब तैयारी के लिए आपको क्लास वगैरह हम बताए थे, लेकिन यहां भी ध्यान दीजिए, 1800 प्लस क्वेश्चन का जो क्लास 35 रुपया का मात्र चल रहा है, कितना रुपया का है, 35 रुपया क्लास टेलीग्राम पे चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, 2000 से भी ज्यादा, 2500 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, और यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिया जा रहा है 1800 प्लस, जो कि जीके जीएस और हिंदी और करंट अफेयर्स का हो रहा है, तो बिहार पुलिस स्पेशल के लिए है, इस पर जाकर के ज्वाइन करिए जल्दी से, मात्र 35 रुपया का पेमेंट करना होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप लोग को, इस पर आप लोग कमेंट जब करिएगा ना, तो आपको एक लिंक जाएगा, एडमिशन लिंक, डायरेक्ट आप एडमिशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लिंक से भी और नंबर पर पेमेंट करके भी ले सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो, और कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से भी आप एडमिशन ले सकते हैं, दोनों सेम है, व्हाट्सएप पर देंगे चाहे वो कमेंट बॉक्स, दोनों सेम है, आप कहीं से भी उस पर एडमिशन लीजिए, 35 रुपए का चार्ज लगेगा आपको मात्र, और ये वैलिडिटी जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक रहेगा, 1800 प्लस क्वेश्चन रहेगा टेलीग्राम पे, और आपको पता है इसका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा और इतना बेहतरीन क्वेश्चन हम दे रहे हैं वहां पे 35 रुपया में टेलीग्राम पे, कि आप क्वेश्चन को देखिएगा और जितने भी लोग जानते हैं वो नीचे कमेंट भी करेंगे, क्वेश्चन इतना अच्छा है कि उसमें गलत आंसर तो कभी मिलेगा ही नहीं आपको, आप खोज भी नहीं सकते हैं, और इतना बेहतरीन है क्वेश्चन जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाने का संभावना बना है, पूछा गया और पूछा जा सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं मात्र 35 रुपया में, तो वो आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो, मैक्सिमम लोग तो जुड़े होंगे, लेकिन अगर आप लोग अभी तक भी नहीं जुड़े हैं उसे तो जुड़ जाइए जाकर के, बहुत फायदा होगा, टेलीग्राम पर आपको पर डे क्वेश्चन मिलते रहेगा और आपका तैयारी भी अच्छा होता रहेगा, कई सारे लोग तो नोट्स इतना अच्छा बना लिए कि देख करके अच्छा लगता है, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन 2 घंटा का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फायदा उठाना है। अच्छा, स्पेशल ब्रांच बारे में आपका निगेटिव मार्किंग है उसको भी ध्यान रखना है, इसमें नहीं है, तो कौन ज्यादा आसान होगा, कौन ज्यादा हार्ड होगा, किसके लिए कौन आसान होगा, किसके लिए कौन सा हार्ड होगा, ये सब बिंदु पे हम चर्चा करेंगे जब हम बनाएंगे वीडियो स्पेशल ब्रांच पे और बिहार पुलिस नॉर्मल जो वैकेंसी है दोनों पे कंपेरिजन करेंगे तब। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और जुड़े रहिएगा तो हर वीडियो आपके पास मिलते रहेगा। तो 2024 में ही आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होगा और अलग अलग शिफ्ट में, यानी कि करीब करीब आपका एग्जाम 3 दिन से 4 दिन चलने वाला है, 2-2 शिफ्ट करके चलेगा। ठीक है, पर डे 2 शिफ्ट सुबह शाम का होगा और आप लोग का एग्जाम लगभग 3 दिन चलेगा। ठीक है, और इसमें सभी लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा बिहार के अलग अलग सेंटर में, बिहार में ही एग्जाम होगा, अदर स्टेट वाले भी ये जानेंगे, बिहार में एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम आप लोग का होगा, जिसमें से आपको बहुत बार बता चुके हैं हम कि जीके का क्वेश्चन रहेगा, जीएस का क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, मैथ रहेगा, आपका इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, ये सबको मिला करके 100 क्वेश्चन, जहां पे जीके जीएस का ज्यादा महत्व होगा, जीके जीएस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो उसको ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं कि तैयारी आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार पुलिस 21,391 पद निकला है, इसका तैयारी बहुत सारे लोग छोड़ दिए, किए थे, फॉर्म निकला था, फॉर्म भरे थे, तो क्लास भी ज्वाइन किए थे, कहीं जगह समझ में नहीं आया, क्लास छोड़ दिए, उसके बाद एग्जाम का तैयारी वो खुद से भी करने लगे, एग्जाम जब लेट हो गया, समझ में नहीं आया, फिर तैयारी छोड़ दिए, इस कारण से वो अभी तक भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है कि बिहार पुलिस के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। आप लोग ये समझते हैं कि तैयारी सिर्फ रिटेन को ही कहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है,
बिहार पुलिस का तैयारी में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ रिटर्न निकालना ही तैयारी नहीं होता है, फिजिकल पे भी कमांड बनाना, डॉक्यूमेंट सब भी तैयार रखना, अगर आपका कास्ट है ये है मतलब जितना भी जो भी चीज आपका लगता है वो सब तैयार करना, मेरिट लिस्ट के लिए अच्छा फिजिकल में नंबर लाना है ना, मेडिकल बढ़िया रखना, ये सब चीज तैयारी में आता है। तो अगर रिटर्न का भी संभावना नहीं बन रहा है तो आपको फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए कि समय है तो दौड़ कम से कम बना लेते हैं, गोला फेंक हम कम से कम बना लेते हैं, हाई जंप अच्छा से कर लेते हैं, लॉन्ग जंप अच्छा से कर लेते हैं, तो ये सब चीज को मिला करके आप तैयारी को पूरा कर पाते हैं। और जिसका सब चीज मजबूत होता है लगभग नौकरी उसी को मिलता है। हम कई बार ऐसा देखे हैं कि जो बिहार पुलिस का तैयारी 3-4 बार से कर रहा है, मतलब 3-4 बार रिजेक्ट हो चुका है और उसका मन है बिहार पुलिस में जाने का, है ना, 2-3 बार कर चुका है, 2 बार से रिजेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुक रहा है, अगर वो लगा हुआ है तो एक बार वो रिजल्ट दे देता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग का संख्या 21,391 पद में होगा जो कि कई बार रिजेक्ट हो चुके हैं और फिर से आए हैं। और नए लोग तो इसको आसान समझते हैं, जो एक बार पहली बार जो इस फॉर्म को भरा होगा उसको लगता होगा कि एक बार में इसको निकाल देंगे, इतना भी आसान नहीं होता है। जब आप इसका रिटर्न दीजिएगा, जब फिजिकल में जाइएगा, वो जो अपने अंदर प्रेशर आप महसूस करिएगा वो आपको समझाया कि अभी आप प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है, अभी अच्छे से आप तैयार नहीं हो, अगली वैकेंसी में फिर आप आना, ये आपको समझ में आएगा। जितने भी नए लोग जाते हैं फर्स्ट बार, जो 2-3 बार दे दिए उनको समझ में आता होगा, फर्स्ट बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी समझाए तो जल्दी से जाकर के ये क्लास से जुड़िए, ₹35 का जो पेमेंट है वो करिए और जाके क्लास से जुड़िए। व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया आपको, वहां भी कमेंट करके आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम पे क्लास वगैरह आ गया है, आराम से वहां पे पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए समझिए, मात्र ₹35 ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत अत्यधिक मिलने वाला है और अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी था समझाने का आपको प्रयास किया, और आपका एडमिट कार्ड लगभग जून में आपको समझ में आ जाएगा कब तक आना है, और जुलाई में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और जो कि इसका रिजल्ट आप लोग का अगस्त से सितंबर में जारी भी कर दिया जाएगा, ये भी चीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको फिर से वैकेंसी देना है बिहार पुलिस का, स्पेशल ब्रांच का भी देना है, और बिहार पुलिस में वैकेंसी आएगा तो वो सबको मैनेज करके इसको 2024 में क्लियर ही करना पड़ेगा इसको, और जल्दी से फिजिकल भी इसका लेना पड़ेगा, है ना, सब चीज। बस चुनाव का थोड़ा सा इंतजार है, चुनाव अच्छे से हो जाता है उसके बाद आप लोग का पूरा तैयारी पे फोकस किया जाएगा और अच्छे से आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा, और सेटिंग वगैरह थोड़ा सा कम होने का संभावना है क्योंकि सरकार इसी के लिए इतना वक्त भी ले रहा है, अपना काम भी कर रहा है और बहुत सारा चीज चेंज भी किया है, प्रक्रिया से लेकर के सिस्टम से लेकर के हर चीज को चेंज कर रहा है, लेकिन ये ऑफलाइन एग्जाम है तो थोड़ा सा संभावना मुझे कम लगता है, ऑनलाइन होता तो और अच्छा होता है, अच्छे से इस पर पकड़ बांध पाता, लेकिन आगे आने वाली वैकेंसी पर लगता है कि ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम भी लिया जा सकेगा, ठीक है, आगे मतलब आएगा वैकेंसी तब, अभी ये ऑफलाइन ही होगा एग्जाम, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देखे होंगे उनको सब चीज समझ में आ चुका होगा और आप में एक नया एनर्जी भी मिला होगा कि चलो तैयारी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप पैसा लगाए हैं ₹700-800 लगाए हैं इसको भरने में, तो चलिए तैयारी कर लीजिए और निकल जाएगा तो अच्छा खासा 30-35 हज़ार वेतन आप लोग का शुरू हो जाएगा, बिहार पुलिस आप कहेंगे सरकारी नौकरी हो जाएगा, आपका जिंदगी सिक्योर हो जाएगा और अगला तैयारी भी आप अच्छे से कर पाएंगे, यानी दरोगा बनने के लिए या कुछ भी तैयारी आप साइड से कर सकते हैं वैकेंसी में जाने के बाद, मतलब जॉब लेने के बाद, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया, कोई वीडियो अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना कंफ्यूजन को भी कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जाएगा या उस पर नया वीडियो आ जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए, किसी भी वैकेंसी का तैयारी करते हैं बेस्ट तरीके से करिए, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।